उत्तराखंड हमारे भारत का एक बहुत ही सुंदर राज्य है। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली और बहुत सी प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं यहाँ की धरती पर भगवान वास करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड अपना एक डरावना इतिहास भी रखता है। यहाँ पर कई ऐसी रहस्यमय घटनाएं देखी और सुनी गई हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड के अतीत की एक ऐसी ही रहस्यमय और खौफनाक घटना बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप बस यही कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जानते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, उत्तराखंड के चंपावत जिले में बसा है लोहाघाट टाउन। यह टाउन अपनी खूबसूरती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसी टाउन के पास बसा है अवोट माउंट, जो भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। देखने में बेहद खूबसूरत अबोट माउंट पर अगर आप घूमने जाएंगे तो आपको यहाँ कुछ पुरानी हवेलियाँ देखने को मिलेंगी जो ब्रिटिश काल की बनी हुई हैं। एक पुराना चर्च और एक कब्रिस्तान देखने को मिलेगा जहाँ 10-12 कब्रें हैं। इसके अलावा यहाँ एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के पास बना है वह बंगला जिसको मुक्ति घर और मुक्ति कोठरी के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि उन्होंने यहाँ अक्सर रहस्यमय और खौफनाक घटनाओं को होते देखा है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस वीरान बंगले में हजारों लोगों को एक डॉक्टर द्वारा मारा गया था, जिनकी आत्माएं आज भी इसी बंगले में भटक रही हैं। इस बंगले की दहशत इतनी ज़्यादा है कि यहाँ अंधेरे के बाद जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। दोस्तों, जब कभी भी आप यहाँ घूमने आएंगे तो आपको ये एक नॉर्मल ब्रिटिश काल के बने बंगले जैसा ही लगेगा। इस बंगले का नाम एवी है, जो इसके मालिक के नाम पर ही रखा गया था। बंगले को बनाने के काफ़ी समय बाद तक एवी और उनका परिवार इसमें रहा करते थे और बाद में उन्होंने इस बंगले को हॉस्पिटल बनाने के लिए दान कर दिया था। और बस तब आया वह भयानक मोड़ जिसकी वजह से यह बंगला आज भी भूतिया माना जाता है। जिसकी कहानी कोई भी सुनता है वह एक अलग ही डर महसूस करता है। कहते हैं यह अस्पताल पूरा दान पर निर्भर था, इसी लिहाज से इसमें हमेशा रोगियों की भीड़ लगी रहती थी। यह हॉस्पिटल अपनी अच्छी चिकित्सा सुविधाओं के लिए बहुत फेमस हुआ करता था। लेकिन एक दिन इस हॉस्पिटल में वो इंसान आया जिसने इस हॉस्पिटल की प्रतिष्ठा को बदल कर रख दिया। इस इंसान का नाम था डॉक्टर मॉरिस। डॉक्टर मॉरिस के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि वह दावा करता था कि उसके पास भविष्य देखने की ताकत है और वह अक्सर मरीजों को देखकर उनकी भविष्यवाणी कर देता था। लेकिन डॉक्टर मॉरिस ने कभी किसी के लिए कोई अच्छी भविष्यवाणी नहीं की। उसने भविष्यवाणी की तो सिर्फ मौत की। डॉक्टर के रहते जब भी हॉस्पिटल में किसी नए मरीज को भर्ती किया जाता था तो डॉक्टर मॉरिस उस मरीज के जीने या मरने की भविष्यवाणी करता था। आसपास के लोग बताते हैं कि डॉक्टर मॉरिस मरीज की मौत की सटीक भविष्यवाणी कर देता था। अगर मॉरिस किसी मरीज को देखकर कह देता था कि यह 2 दिन में मर जाएगा तो वह सच में मर जाता था। इन्हीं चीज़ों को देखकर लोगों का डॉक्टर मॉरिस पर विश्वास बहुत बढ़ गया था। कहते हैं कुछ लोग डॉक्टर मॉरिस को भगवान मानने लगे थे। डॉक्टर के कहते ही उस इंसान का मरना तय मान लिया जाता था और मरीज को हॉस्पिटल के नीचे बने एक विशेष वार्ड में भेज दिया जाता था। इसी विशेष वार्ड को मुक्ति घर या मुक्ति कोठरी कहा जाता था और यहीं उस मरीज की डॉक्टर के बताए समय पर मौत हो जाती थी, जिससे लोग डॉक्टर मॉरिस से बहुत प्रभावित थे। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि डॉक्टर के पास कोई शक्ति नहीं थी और असल में वह डॉक्टर पागल था। वह मरीजों को लेकर की गई अपनी भविष्यवाणियों को सही साबित करने के लिए उन्हें खुद ही मार देता था। और कहते हैं जिन लोगों को डॉक्टर ने मारा उन निर्दोष लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं। कुछ लोग यह भी बताते हैं
कि जो मरीज मरने वाले होते थे, डॉक्टर मॉरिस सिर्फ उनकी ही मरने की भविष्यवाणी करता था। और लोगों का उस पर विश्वास इतना ज़्यादा था कि लोग उसके कहे अनुसार ही अपने सगे संबंधी को मरा मान लेते थे और मरीज को मुक्ति कोठरी में भिजवा कर वहाँ से चले जाते थे। कहते हैं कि ज़्यादातर मरीज तो सचमुच मर जाते थे, लेकिन कुछ लोग बच भी जाते थे। लेकिन जैसा हमने बताया कि उनके सगे संबंधी डॉक्टर के कहने पर उनको मरा समझकर वहीं छोड़ जाते थे, ऐसे में डॉक्टर मॉरिस इस चीज़ का फ़ायदा उठाता था। वह उन जिंदा बचे लोगों पर अपनी रिसर्च करता था। डॉक्टर मॉरिस उन जिंदा बचे इंसानों के दिमागों को खोल देता था। डॉक्टर मॉरिस यह पता लगाना चाहता था कि एक जिंदा इंसान और मरे इंसान के दिमाग में क्या अंतर होता है। वह उन जिंदा लोगों को इंजेक्शन देकर जिंदा और मौत की अवस्था के बीच रखता था। कई सालों तक डॉक्टर मॉरिस ने यह खौफनाक खेल जारी रखा। कहते हैं एक दिन एक दिल्ली के डॉक्टर ने डॉक्टर मॉरिस का पर्दाफाश कर दिया और मॉरिस का मौत का खेल यहीं रुक गया। लेकिन माना जाता है कि जिन लोगों की मौत यहाँ हुई, उनकी आत्माएं आज भी हॉस्पिटल और मुक्ति कोठरी के आसपास घूमती हैं, और बहुत से स्थानीय लोगों ने अक्सर यहाँ उन लोगों की आत्माओं को देखा है। इन सब वजहों से एवर्ट माउंट को भूतों का गढ़ माना जाता है, और यहाँ रात के समय कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। कई लोगों ने यहाँ अक्सर हॉस्पिटल और मुक्ति कोठरी से चीखने चिल्लाने की आवाज़ों को सुना है। उन्होंने कहा ऐसा लगता है जैसे वो मरीज आज भी दर्द की वजह से चिल्लाते हैं। और कुछ लोगों ने ये बताया कि यहाँ जाकर बहुत अजीब सा फील होता है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ हो, और एक अलग ही निगेटिव फील यहाँ आती है। आसपास के कुछ लोग इन सब को अफवाह भी मानते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वो लोग अक्सर यहाँ रात को आते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी कुछ अजीब फील नहीं हुआ। अब सच क्या है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन डॉक्टर मॉरिस और उन मरीजों की कहानी दिल दहला देने वाली है। दोस्तों आप लोहाघाट के एवर्ट माउंट की इस खौफनाक घटना के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आपने कभी कोई भूतिया घटना सुनी या देखी है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।